आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद भदोही अपडेट, विधायक विजय मिश्र के गनर को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, एमएलए का बेटा हुआ फरार। आगरा जेल में निरुद्ध भदोही जिले के ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र के गनर रहे आनापुर के ग्राम प्रधान चंदन तिवारी को एसटीएफ वाराणसी की टीम ने मंगलवार को गोपीगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसके घर पर छिपा विधायक का पुत्र विष्णु मिश्र फरार हो गया। चंदन के पास से 2 9 mm पिस्टल व कारतूस बरामद किए गए। घंटों पूछताछ के बाद आरोपी चंदन के खिलाफ गोपीगंज थाने में रात करीब 9:30 बजे मुकदमा दर्ज किया गया। बाहुबली विधायक विजय मिश्र के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने बीते दिनों विधायक, उनके पुत्र, पुत्रियों सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक के परिवार व उनके कुछ करीबियों पर जालसाजी, जबरिया गाड़ी, फम आदि हड़पने का आरोप है। गनर के घर पर छिपकर रह रहा था विधायक का बेटा। पुलिस सूत्रों के अनुसार विधायक के पुत्र विष्णु की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। इसी बीच एसटीएफ वाराणसी को पता चला कि विष्णु आनापुर के ग्राम प्रधान चंदन तिवारी के घर छिपा हुआ है। विष्णु की गिरफ्तारी के लिए गोपीगंज पुलिस के साथ एसटीएफ जा रही थी, तभी रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग आनापुर के पास चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ की गई तो पता चला कि विष्णु चंदन के घर पर ही है। जब एसटीएफ व पुलिस घर पहुंची तो विष्णु वहां से फरार हो चुका था। गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार चंदन के पास से 2 पिस्टल कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ के बाद एसटीएफ के इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव की तहरीर पर गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विष्णु को छिपाने व अवैध तरीके से शस्त्र रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। गोपीगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक के सिंह ने बताया कि चंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदन विधायक विजय मिश्र का गनर रहा है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में एसटीएफ निरीक्षक अमित श्रीवास्तव, एसआई गिरीश त्रिपाठी, एसआई अंगद यादव, कोतवाल गोपीगंज के सिंह शामिल रहे। जमीन हड़पने के मामले में काट रहा फरारी। बाहुबली विधायक विजय मिश्र के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने 4 अगस्त 2020 को गोपीगंज कोतवाली में भवन और फर्म हड़पने के आरोप में विजय मिश्रा, एनएलसी एवं विधायक की पत्नी रामलीला मिश्रा और पुत्र विष्णु मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस आरोप में 14 अगस्त को विधायक को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में ज्ञानपुर विधायक आगरा केंद्रीय जेल में निरुद्ध है, जबकि विधायक का पुत्र फरार है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।